थाना डौकी क्षेत्र में कई बड़े बड़े मामले हुए हैं जिसका थाना डौकी पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। तो वहीं डौकी क्षेत्र के अंतर्गत टंकी नगर चौराहे पर विगत रात्रि में एक मैक्स पिकअप को चोर उड़ा कर ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र अपनी रिश्तेदारी की शादी समारोह का निमंत्रण देकर वापस लौटा था, तो मैक्स पिकअप को अपने दरवाजे पर खड़ा कर सोने चला गया और जब वह सुबह उठा तो उसे मैक्स पिकअप नहीं दिखाई दी तो परिवारी जनों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में डायल 112 पर मैक्स पिकअप चोरी की सूचना दी गई, तो वहीं मौके पर पहुंची डायल 112 व थाना डौकी पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि घटना विगत रात्रि करीब 2 बजे की बताई जा रही है, तो वहीं ये कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी चोरों ने ट्रैक्टरों को भी चोरी किया है, लेकिन डौकी पुलिस खुलासा करने में नाकाम रही। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि थाना डौकी क्षेत्र में वाहन चोर गिरोह सक्रिय है, लेकिन थाना डौकी पुलिस अंधेरे में तीर चलाकर शांत बैठ जाती है। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी नंबर क्या है? ये कितने बजे की घटना है? ये 1 बजे के बाद की है। आप कहाँ थे? मैं तो सो रहा था, मैं रात को लेट आया था। रात में चोरी हो गई गाड़ी? हाँ, रात में चोरी हुई। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी। पुलिस यहाँ मौके पर आई? हाँ, पुलिस मौके पर आई। कौन सी जगह है? टंकी चौराया। की तो हुई यहाँ पर? हाँ, मैप से गई चोरी। कितने बजे की घटना है? ये 1 बजे के बाद ही घटना है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ थे? वहाँ सो रहा था, वहाँ बड्डे के पास सो रहा था। तो आपको जानकारी कैसे मिली कि चोरी हुई? सवेरे मालूम हुई है, मैं छोटे भाई ने पूछा था कि वो मैक्स कहाँ है, मैंने मुंडा मालूम कहाँ है, तो यहाँ बहू जगाई है, बहू जगा के देखी है कि मतलब जान बहू ने जगा हुआ गाड़ी कहाँ है, तो निकल के आया तो जाने बताइए कि गाड़ी कहाँ है। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर आई थी यहाँ पे।